वेलकम सन क्लास स्टूडेंट्स, सातवीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा वीडियो रहेगा वो परसेंटेज प्रतिशत के ऊपर रहेगा, जो आपका सन क्लास का टॉपिक है। और क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे, इसके पास आपकी एक्सरसाइज 8.2 है। तो किस प्रकार प्रतिशत हम निकालते हैं, तो इन क्वेश्चन में हम करके देखेंगे कि किस प्रकार प्रतिशत निकाली जाती है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 250 का 15% और 15% ऑफ 250। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो किस प्रकार हम इस प्रकार के क्वेश्चन को करते हैं। जितना हमारे पास अमाउंट दिया होता है 250 का, फिर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का निशान, 15% का मतलब होता है पर 100, तो इसमें डिवाइड मिल जाएंगे और 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 15/100। तो इस प्रकार हमारे पास 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 15/10। 0 हमने यहां से काट ली। अब हमारे पास हम इसमें काट सकते हैं 5 का टेबल करके, 5 × 3 = 15 और 5 × 2 = 10, तो हमारे पास बच जाएगा 25 को हम 3 से 25 × 3 और बटे में 2, तो हमारे पास 25 × 75 और 2। अब हम 75 को 2 से भाग कर लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 37.5। जब अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का भी पार्ट है, 1 घंटे का 1% और 1% ऑफ 1 आवर्स हम किस प्रकार निकालेंगे परसेंटेज में। तो हमारे पास 1 घंटा और काट लिया गुना 1%, 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है कि हमें उस टर्म को 100 से भाग करना होता है, तो हमारे पास किस प्रकार बचेगा, 1 × 1 घंटे में 1 और 1/100। तो जब हम इसमें गुणा कर लेंगे 1 से, तो 1/100 हमारे पास आ जाएगा। और हमें मालूम है कि यहाँ पे 10 में 100 में 2 शून्य है, तो इसमें 10 दशमलव के बाद 2 अंक बनने चाहिए, तो हमारे पास किस प्रकार बनेगा, 0.01 हमारे पास इसका आंसर होगा। इस प्रकार यहाँ पे 2 शून्य है, तो यहाँ पे 2 अंक बनने चाहिए, तो हमारे पास 0.01 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, 2500 का 20% या 20% ऑफ 2500 किस प्रकार निकाला जाएगा। तो इसमें हम कर इसमें सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, 2500 का किया गुना 20% का मतलब बटे 100, ऑफ का मतलब का या ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास 1 शून्य से 1 शून्य काट लेंगे, दूसरी से दूसरी काट लेंगे, इस प्रकार हमारे पास जो बच जाएगा वो 25 × 20। तो हम 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास कितना जाएगा, इसमें 0 और 500 हमारे पास है इस क्वेश्चन का आंसर। नंबर 4 पार्ट नंबर डी हमारा एक्सरसाइज 8.2 का, जो 1 किलोग्राम का 75% निकालना है हमने, 75% ऑफ 1 किलोग्राम किस प्रकार हमारे पास इसमें निकाला जाएगा, 75% ऑफ 1 kg, 75% डिवाइड बाय 100 ऑफ मीन मल्टीप्लीकेशन एंड 1 किलोग्राम। नाउ वी कैन राइट एज 75/100 मल्टीप्लाई बाई 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मीन्स वी नो दैट 1 किलोग्राम हैज 1000 ग्राम। नाउ वी 1000 ग्राम, नाउ वी कैंसल 1 0 by 1 0 1 by 1, हियर द रिमेन नंबर इज 75 मल्टीप्लाई बाई 10, दैट इज 750 ग्राम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 50 ग्राम। थैंक यू।